आरएसएस की कामे है कि यहाँ मंदिर का गिरवा दे, वहाँ मस्जिद गिरवा दे, उन्हें जुल्हा की जलवा दे, उन्हें मुतवा दे, कोने के कपार पर दिया। अभी हो कि क्या देख रहे हो, हिंदू खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री हिंदू, डीसी हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, एसपी हिंदू, तब कैसे खतरा में है? भगवान बना का नाम है बीजेपी, बी से भाग, जे से जुल्हा, पी से पाकिस्तान। यह ठिका लिए है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 10 साल में नहीं कबर सका, 40 साल तोरा मौका मिलो, क्यों नहीं भगा दिया पाकिस्तान? हर बाप का कानून है, रांची में मालूम है जी। हाँ, वो 55-52-50 का नारा लगा के चले गए हैं। नहीं तो नीतीश जी तो 4000 पार कह दिए थे, देहनी मरण वेद में कुछ कह देंगे। है ना, कहने में क्या लगता है, सीट जनता को देना है ना, वोट जनता को देना है। कैसे चुना लगा? चुना इसलिए लगा कि जनता ये समझ गई कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसकी जैसी हो आबादी वैसी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल, यहाँ की जनता समझ गई कि बैकवर्ड समाज से है, ओबीसी समाज से है रामचंद्र चंद्रवंशी, कोनो फॉरवर्ड समाज से तो है नहीं, तो ओबीसी का ही एक मेंबर है वो, और उसी के उम्मीद पर आदमी दे दिया तो हो सकता है कि ईमानदार निकले। लेकिन ये 10 साल तक चूना लगाया यहाँ की जनता तक। अगर यह ईमानदार था तो कॉलेज में अगर 300 सीट है तो आरक्षण आरक्षण हरिजन आदिवासी बैकवर्ड अल्पसंख्यक क्यों नहीं कर दिया जी, कि 20% हम फ्री में पढ़ाएंगे जी, जबकि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, हमारे यहाँ डीएवी है 25% निःशुल्क बच्चे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन तुम्हारा हिंदुस्तान के कौन कानून है कि 1% भी बच्चे फ्री में नहीं पढ़ते, और यहाँ से खाली वोट लोगे? इस चीज को तो यहां से वोट लेकर वो जीत रहे हैं, वहाँ की जनता के साथ ही छलने का काम कर रहे हैं। पूरा छलने का काम किया 10 साल। हाँ। और जब 10 साल के बाद ये अब का किया कि इनकर अभी जो इस पार्टी में है, इस पार्टी का जिसे आरजेडी का फुल फॉर्म हुआ राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, बीएसपी का फुल फॉर्म हुआ बहुजन समाज पार्टी, अब बीजेपी का हुआ कि भाग जुल्हा पाकिस्तान। क्या बात है, तो ये फुल फॉर्म है बीजेपी का, फिर से एक बार, जैसे आरजेडी का देखिएगा, आरजेडी का हुआ आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, पार्टी हो गया ये, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, यानी जेकरा ज्यादा संख्या बा ओकरे ही पार्टी बा, ठीक है, ये हो गया। और ई जो अभी ज्वाइन किए केचू छोड़ के, केचूर बदल के जो ज्वाइन किए, इनके पार्टी का नाम है बीजेपी, बी से भाग, जे से जुल्हा, पी से पाकिस्तान। यह ठिका लिए है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 10 साल में नहीं कबर सका, 40 साल तोरा मौका मिलो, क्यों नहीं भगा दिया पाकिस्तान? हर बाप का कानून है, संविधान है। अगर संविधान देखना हो तो लाल किला पर जाके देख लो कि देश की आजादी कराने में मुस्लिम कितने शहीद हुए हैं, देखो ना, बेशरम लियन बात करते हो, तो देख लो संविधान में कि बैकवर्ड का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा कितना देश आजादी कराने में शहीद हुआ है जी। बिल्कुल, और तुम वन साइडेड बात करते हो, और तुम्हारा आरएसएस उसमें पैदा नहीं हुआ, जीरो। ये समय देश की आजादी की लड़ाई थी, आरएसएस हिंदुस्तान में जीरो थी, बीजेपी जीरो, लेकिन आज कहता है कि हम ही देशभक्त हैं, तू पैदा नहीं लिया था तो कौची का देशभक्त हो? सिर्फ चूने लगाने का काम, आ बार बार यहाँ की जनता। चुनाव के समय ये बात कहाँ से जातिवाद आ, इसलिए नहीं अगर जाति बात करेगा। हाँ। कहीं देखिए, बीजेपी का दुगो संख्या है, आरएसएस के कामे है कि यहाँ मंदिर का गिरवा दे, वहाँ मस्जिद गिरवा दे, उन्हें जुल्हा की जलवा दे, उन्हें मुतवा दे, कोने के कपार पर। अभी हुआ ना आदिवासी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो गढ़ के थोड़ी बोल रहे हैं, इधर हुआ और तुरंत इसी पर राजनीति करता है, गंदी राजनीति करता है। का भाई, तो हम सदा में थे तब ना मस्जिद गिरवा दिए, देख ला, जुल्हा के मरवा दिए, बुलडोजर चलवा दिए, और यही करके, और फिर अभी रिन्यूअल हुआ है, लेकिन अधे तीन टंग पर है। जनता तो औकात बताया, देर से हम समझे, लेकिन समझे, और हमारी जनता अगर देर से नहीं समझी होती तब रिवर 400 पार कहत रहन, तब रिवर कहा 3 पार भइल, नहीं हो सका ना। तो जनता आपको चोट दिया, और बेशरम लियन बात कर रहे हो अलग बात, लेकिन अगर बुत्ता है तो कोई कड़ा निर्णय लेके दिखाओ, चूंकि इतना विपक्ष में है लोग कि आपकी सरकार गिरा देंगे, वो अभी हिल रहा है, 3 टंगरी का भरोसा, जरा सा गज की पड़ा पलट जाएगा, टेम्पू का देख लीजिए कैसी स्थिति है, जरा सा गज की पड़ा फट से पलट जाएगा, वो हमें कुछ घायल हो जाएगा, कुछ मर जाएंगे। यही राजनीति करती है, लाशों की राजनीति करती है, चूंकि यह इतिहास गवा रहा है कि बाबरी मस्जिद के समय कई गो पंडित जी मरे हैं, बताइए तो आप, लिस्ट निकाल के देख लीजिए, गरीब का बेटा को चढ़ा दिया, कि क्या देख रहे हो, हिंदू खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री हिंदू, डीसी हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, एसपी हिंदू, तब कैसे खतरा में है? भगवान बना देगा तुमको,
के मंत्री ने बनोगे, इसके बाद दिव्य रंजन बात करता है कि हिंदू तो खतरे में, किस एंगल से खतरे में है, हिंदू मुसलमान करके आई सदा में बना हुआ है। लेकिन जनता को देर ही समझ, लेकिन समझ आई है, तब इनका जो 300-400 पार था 300 के भीतर रह गया, जनता को तो समझ में आई है। कल मोदी जी अरे अमित शाह आए हुए थे रांची में, मालूम है जी? हाँ, वो 55-52-50 का नारा लगा के चले गए हैं। यानी तो नीतीश जी तो 4000 पार कह दिए थे, देहनी मरण वेद में कुछ कह देंगे है ना, कहने में क्या लगता है, सीट जनता को देना है ना, वोट जनता को देना है, इधर 4000 कह दिए थे नीतीश जी, 4000 का कर दिए। हाँ, कह रहे थे कि हिंदुस्तान में हमारा 4000 सीट आएगा, तो क्या करिएगा, यानी मरण वेद में कुछ कह देगा, कहने पर कोई लगाम नहीं, ऐसी बात की आजादी है देश में, कोई ककरो कुछ कह दे, संविधान में जांच होते होते बिटक जाएगा, आगे जाके कुछ नहीं होता है। उनका पर क्या हुआ, अगर यही कोई गरीब का बेटा बोला होता देख लेते क्या होता। तो संविधान तो दो तरह का ही है, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अगर एगो कारतूस पकड़ा जाए खोखा, दुनिया के सब संविधान हमारा पलट देगा। अब भानु प्रताप शाही के पास देखिए, 4000 करोड़ रुपया ले राज को लूट लिया, और आज उसके सुरक्षा में जिस पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए वो पीछे 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 सुरक्षा में है, इसी का नाम संविधान है। तो इस संविधान के अनुपालन करने वाले से जनता तंग आ गई है, और अब कड़ा निर्णय लिया जाएगा, और इसमें जाति संप्रदाय इनका नहीं चल पाएगा। अब चूंकि पब्लिक अब समझ गई है कि चुतिया मत बनाओ, हमारा कहना चाहते हैं कि इसके पहले अभी 5 साल तक बीच में और पार्टी लोग अभी वोट लेने आएंगे, चाहे बबलू बाबू हो, बिट्टू सिंह हो, विकास भाई हो, दधई दुबे हैं, रामचंद्र जी, सब 5 साल तक तो बीच में नजर नहीं आए, वो तो सीजनली बैन है। बारिश हुआ बरसाती में था जी, बारिश हुआ बियर से बहरी, बारिश खत्म बियर में भीतर, 5 साल नजर आता है, जनता की लड़ाई लड़ता है वो। ये बारिश कब तक होगा? बारिश तो नवंबर में, नवंबर तक, हाँ नवंबर में, दिसंबर तक फिर इनका परमानेंट भीतर दिया जाएगा, ताकि रोड पर थोड़ा ट्रक तिर करे के मौके नहीं देगा, जनता समझ गया है, अब आप कुछ नहीं बना सकते। इन्हीं चंदों के साथ वाणी को विराम देते हैं, जय हिंद जय भारत। क्या लग रहा है इस बार विश्रामपुर का क्या रहेगा? क्या इस बार का क्या रहेगा विश्रामपुर का नक्शा बता दीजिए। देखिए सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, एवं दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विश्रामपुर विधानसभा का जनता मूड बना लिया है इस बार। किस टाइप का मूड? मूड की दधई दुबे एवं चंद्रवंशी जी को इस बार विधानसभा में नहीं भेजना है। क्यों? कि अभी आप पहले नहीं आए थे, यहाँ के माताएं बहनें बोले कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, ठीक है, तो वो सड़क का पैसा कहाँ गया? आप कहीं निजी संस्थान बनाए तो वहाँ का जो पैसा आप निजी संस्थान बनाए तो ये सभी कोई जान गए, इसीलिए यहाँ का जनता उब चुका है कि ये दोनों को चेंज करके तीसरा कोई नया चेहरा है, नया चेहरा। अब वो चेहरा कौन है? हमारे आजाद समाज पार्टी के जो हैं, हमारे जो है सिराज खान साहब हैं, जो हमारे सुप्रीमो जो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, उन्हीं से ऊर्जा सभी नौजवानों को मिला है। और जो बहुजन समाज पार्टी में हमारे साथी, हम भी उसमें थे, हम देखे कि हमारे उसमें काम नहीं चलेगा, इसलिए हम सभी लोग उधर डाल नहीं करेंगे, नहीं तो इधर डाल कर। हाँ, क्योंकि हमारे देखिए आप भी देख रहे हैं कि लोकसभा में हमारे जो चंद्रशेखर भैया गरज रहे हैं उनको देखकर सभी नौजवानों लोग को ऊर्जा मिल गया, और सबको हम लोग आजाद समाज पार्टी में जुट गए, और हम लोग जो है सिराज भैया के साथ में है, चंद्रशेखर भैया के साथ में है, और हम लोग इन्हीं को जीता करके विधानसभा में भेजेंगे।